हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आनंद। एक्चुअली आर्टिकल कंपटीशन है और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिसको आप फॉलो कीजिए। अगर आप आर्टिकल कंपटीशन में भाग लेते हैं तो आप ले सकते हो अपनी मर्जी से, और लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, उस चीज़ को फॉलो करना होगा और बहुत ज़रूरी है फॉलो करना। अगर कोई फॉलो नहीं करेगा तो फिर वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। तो ध्यान से आप मेरी बातों को सुनिए। अगर आप आर्टिकल कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है एडसेंस ट्रेनिंग वीडियोस, ठीक है ना, ये वेबसाइट आपका है, यहाँ पर भी है, देख रहे हैं, एडसेंस ट्रेनिंग वीडियोस ब्लॉग्स फॉर इन, इस वेबसाइट पर जाइए। सबसे पहले यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर लिखा गया है आर्टिकल कंपटीशन, ठीक है ना, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करके सबसे पहले देख लीजिए कि आर्टिकल कंपटीशन जो है ना अभी चालू है या नहीं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आर्टिकल कंपटीशन अभी चालू है, मतलब अभी आप भाग ले सकते हैं, ठीक है ना। ये अगर चालू है तो आप भाग ले सकते हैं, अगर चालू नहीं है तो भाग नहीं ले सकते हैं। तो इस चीज़ को सबसे पहले देख लीजिए, आर्टिकल प्रोवाइड करने से पहले आप इस चीज़ को देख लीजिए, नहीं तो ऐसे आर्टिकल मत दीजिए। यहाँ पर सारा इन डिटेल पढ़ लीजिए, आर्टिकल टॉपिक, जो टॉपिक पर आपको आर्टिकल देना है, यहाँ लिखा हुआ है गूगल एडसेंस से रिलेटेड, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि किस टॉपिक पर आर्टिकल मांगा जा रहा है, ठीक है। आर्टिकल लैंग्वेज मतलब आपको हिंदी में लिखना है, हिंदी, हिंदी का मतलब ये ऐसे हुआ, हिंदी का मतलब आपको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में नहीं, आप इंग्लिश को भी हिंदी में लिख सकते, जैसे राम आम खाता है, देखिए राम आम खाता है, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, तो वो ये लिखने का, हिंदी में लिखने का तरीका ये है। ऐसा नहीं कि आप एकदम शुद्ध हिंदी में लिखने लगिएगा, वो जो होता है वैसा नहीं, आप इंग्लिश में भी हिंदी लिख सकते हैं, तो इस तरह से यूज कीजिए, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लिखने में, ठीक है। और इस तरह से लिखना है आपको यहाँ पर। इसका कंपटीशन प्राइज यहाँ दिया गया है, एक व्यक्ति जो भी चूज होगा उसको प्राइज दिया जाएगा, जो यहाँ पर डिनोट किया गया है। कंपटीशन वैलिडिटी देख लीजिए आप पहले यहाँ पर जाकर, कितना वैलिडिटी है उसका, मतलब कब तक, कब से कब तक ये चल रहा है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स, एक पर्सन कम से कम 3 आर्टिकल दे सकता है, मतलब कि एक व्यक्ति कम से कम 3 आर्टिकल दे सकता है, मैक्सिमम आप कितना भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन कम से कम 3 देना है आपको, ध्यान रखिए। ईमेल आईडी जिस पर आर्टिकल सेंड करना है, तो ईमेल आईडी जो है ये है आपका, ध्यान रखिए, इस ईमेल आईडी पर भेजना है। तो यहाँ पर जो कहने का मतलब है कि आप देख लीजिए कि आर्टिकल कंपटीशन चालू है या नहीं, उसके बाद सारा डिटेल यहाँ से पढ़ लीजिए अच्छे से, और उसके बाद ही आर्टिकल भेजिए, समझ जाइए कि क्या क्या लिखा हुआ है। अगर समझने में कोई आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो हमको फ़ोन करके पूछ सकते हैं इसके बारे में, दिए गए समय पर आप मुझे फ़ोन कीजिए और उससे आप पूछ सकते हैं क्या इसमें टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है। जो जिनका आर्टिकल अच्छा होगा उनमें से एक पर्सन को ये प्राइज दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, तो सिर्फ डिसाइड करूंगा कि किसको प्राइज देना है और किसको नहीं देना है, ठीक है। तो जो जिसका भी अच्छा मुझे लगेगा वो उसको मैं दूंगा। और तो ध्यान से आपको लिखना है, जो आर्टिकल आपने पहले सबमिट कर दिया है जो है उसको आप दोबारा मत दीजिए कभी भी। एक ही टॉपिक पर आप बहुत बार आर्टिकल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अलग आप लिखिएगा, अलग अलग टाइप से लिखिएगा। और साथ में जो आप आर्टिकल प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप उस मुझे राइट दे रहे हैं, मुझे अधिकार दे रहे हैं कि मैं उसको अपने वेबसाइट पर डाल सकता हूँ। तो मैं इसी चीज़ को मान के चलूंगा कि आप जो आर्टिकल मुझे दे रहे हैं वो मैं अपने वेबसाइट पर डाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ डिटेल जो है आप यहाँ पर देख लीजिए बढ़िया से, जो भी डिटेल यहाँ दिया गया है उसके बाद ही आप आर्टिकल प्रोवाइड कीजिए। साथ में आपकी इसका लैंग्वेज बहुत अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश अच्छा नहीं होगा तो आर्टिकल आप कैसे लिखेगा। मान लीजिए हिंदी, हिंदी में लिखना है, ठीक है ना, हिंदी में लिखना है तो हिंदी के लिए भी तो इंग्लिश चाहिए चाहिए, क्योंकि आप वेबसाइट का हेल्प लेंगे, मान लीजिए वेबसाइट से देखते हो तो भी तो आपको हिंदी में उसको समझना होगा, हिंदी में लिखना होगा, तो उसके लिए ज़रूरी है।
आपके पास इंग्लिश का नॉलेज होना जरूरी है, जान लीजिए। दूसरी बात तो ये बता दूं मैं आपको, आर्टिकल जो आप लिखेंगे गूगल एडसेंस का, ठीक है, अभी या फिर किसी भी टॉपिक पर देता हूँ, यहाँ पर आपको देखना होगा आके, जरूरी नहीं है कि गूगल एडसेंस का ही टॉपिक हो सकता है दूसरा टॉपिक भी हो मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या आपका है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ यहाँ पर कि अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं आर्टिकल लिखने में, तो आप इंटरनेट का हेल्प ले सकते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल जो है, मैं आपको बताऊं कि वैसे कि बहुत सारे वेबसाइट हैं जहां पर आप उसका हेल्प ले सकते हो, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप वहां से कॉपी कर लिया आर्टिकल और जो है आपने प्रोवाइड कर दिया, तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। सॉफ्टवेयर से मैं चेक करूंगा, अगर लगेगा कि कॉपी पेस्ट है तो वो जो है डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, आप बिल्कुल कंपटीशन से अलग कर दिए जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, हेल्प लीजिए। जैसे कि हेल्प का मतलब हुआ, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक वेबसाइट है विकी हाउ, वेबसाइट है विकी हाउ, देखा है ये विकी हाउ वेबसाइट है। बहुत सारे वेबसाइट आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पर, आपको वेबसाइट का कमी नहीं है, बहुत सारे मिल जाएंगे, आर्टिकल्स का भी हेल्प मिल जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर जैसे गूगल एडसेंस, यहाँ पर जो है आपका टॉपिक है गूगल एडसेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर गूगल एडसेंस को क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ पर टाइप कर लीजिए और उसके फिर उसको सर्च कर लीजिए, और यहाँ पर सर्च कीजिएगा तो गूगल एडसेंस से रिलेटेड बहुत सारा आपको आर्टिकल मिलेगा। तो किसी गूगल एडसेंस से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। तो आप मान लीजिए कि एक टॉपिक यहाँ से उठाते हैं, ये मान लीजिए यहाँ पर आपने ये टॉपिक को उठाया, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एक टॉपिक है हाउ टू ऐड गूगल एडसेंस टू फीड बर्नर। तो ये टॉपिक आप लिख सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि आप इसको पढ़ो, इसको आप पढ़िए पूरे अच्छे से, लेकिन लिखना है आपको अपने शब्दों में, ठीक है। इसको हिंदी में, ऐसा नहीं कि आप इसको लिख लिया यहाँ पर, पढ़ लिया और इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, ऐसा नहीं। हिंदी में भी आप लिखेंगे तो उसको अपने शब्दों में लिखिएगा, बिल्कुल मैच नहीं करना चाहिए आपका। यहाँ जैसे कि यहाँ पर दिया गया है जिस तरह से इंग्लिश में, वो पढ़िए, इसे इंफॉर्मेशन लीजिए, नॉलेज लीजिए, सब कुछ लीजिए, ठीक है। नॉलेज कोई दिक्कत नहीं, आप इंटरनेट से पूरा देखिए, समझिए उस चीज़ को, लेकिन लिखना है आपको अपने शब्दों में। यहाँ पर दिया है हिंदी लैंग्वेज, मान लीजिए यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपने देख लिया और इसको एकदम बिल्कुल ट्रांसलेट कर दिया हिंदी में, ट्रांसलेट नहीं करना, आपको हिंदी में उसको समझ के अपने से लिखना है। आप एक कहानी की तरह इसको समझ लो, ठीक है ना, एक कहानी की तरह इसको आप समझ लिए, उसके बाद आप अपने लैंग्वेज में, अपने शब्दों में जो है इसको लिखिए, ठीक है ना। हिंदी में आपको लिखना, जैसे कि मैंने आपको इसी हिंदी में लिखना है, ऐसा नहीं कि शुद्ध हिंदी में नहीं, यहाँ पर वाला हिंदी जो होता है ना, जैसे इंग्लिश में टाइप करते हैं वैसे ही, ऐसे मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, मेरा कंप्यूटर अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह से हिंदी में लिखना है आपको, इस तरह से आराम से आप हिंदी में लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो वो हिंदी में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी हिंदी में अगर आप चाहते हैं कि जो उसका अ आ ई क ख वाला जो हिंदी होता है, क ख ग घ वाला, अगर आप चाहें तो उसमें भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, अगर आप चाहो तो लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर लिखिएगा तो ज़्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक होता है, ठीक है ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, मतलब कि इस हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आसान आपका यही होगा कि आप इसको जो है ना, आप अपना ऐसे लिखेंगे ना तो ज़्यादा आसान रहेगा, आपको जल्दी जल्दी हो जाएगा काम। उस हिंदी में लिखिएगा तो फिर आपको टाइपिंग भी आना चाहिए उस तरह का, आपकी मर्जी, आप जैसे आप चाहें उसको लिख के दे सकते हैं, लेकिन याद रखिए कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपको। आप इन्फॉर्मेशन लीजिए, जो भी नॉलेज लेना लेना है आप, जैसे कि ये आर्टिकल, यहाँ पर बहुत सारा आर्टिकल आपको गूगल एडसेंस से मिलेगा, यही वेबसाइट नहीं, बहुत सारे वेबसाइट में आपको हेल्प मिल जाएगा, हेल्प लीजिए, हेल्प के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना, नहीं करना है आपको, अपने शब्दों में लिखना है। देखिए हाउ टू इंक्रीज गूगल
ब्लॉग रेवेन्यू विथ गूगल एडसेंस, ठीक है ना। तो ये टाइटल को हिंदी में आप लिख सकते हो, और उसके बाद जो है ये सब पूरा नॉलेज लीजिए, फोटो वोटो सब देख लीजिए बढ़िया से, यहाँ से सब कुछ आप हेल्प ले लीजिए, यहाँ से सब कुछ देखिए, ठीक है ना, ये सब कुछ देखिए। लेकिन ये जब लिखिएगा आप, तो अपने शब्दों में लिखिए, हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट नहीं करना है, आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो आशा करता हूँ कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं। तो यहाँ से जो भी आर्टिकल टॉपिक मिलेगा, यहाँ पर जो भी टॉपिक रहेगा उससे रिलेटेड टॉपिक को आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, और इंटरनेट से काफ़ी हेल्प ले सकते हैं समझने में। कहानी इसका पूरा समझ लीजिए, पूरा कहानी समझ लीजिए, लेकिन लिखिए सिर्फ अपने शब्दों में, कहीं भी से भी कॉपी पेस्ट आपको नहीं करना, ठीक है। हाँ, ये फोटो वगैरह जो कॉपी कर सकते हैं आप, जो है ना, ये फोटो जो दिया गया है, अगर आप फोटो डालना चाहते हैं तो उसका सुंदरता बढ़ जाएगा, आर्टिकल का सुंदरता बढ़ जाएगा, आप डाल सकते हैं, फोटो को कॉपी कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये फोटो जो है आप डाल सकते हो, ठीक है, या फिर अपने से खुद भी फोटो बना सकते हो, या फिर फोटो नहीं डालना है तो नहीं डालिए, फोटो से कोई मतलब नहीं है। अगर फोटो डालिएगा तो थोड़ा सुंदरता बढ़ जाता है, और कुछ ज़्यादा उससे होने वाला नहीं है, ठीक है। तो हिंदी में आप इसको लिखिएगा तो अपने शब्दों में लिखिएगा, बिल्कुल ट्रांसलेट नहीं करना है इसको, अपने शब्दों में, ठीक है। यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज होता, मान लीजिए यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने के लिए बोला जाता, तो उस कंडीशन में भी जो है आप इंग्लिश में लिखिएगा तो सेम इंग्लिश नहीं लिखना है, ये सेम इंग्लिश नहीं लिखना है, ये चीज़ को पढ़िएगा, ठीक है ना, ये चीज़ को पढ़िए समझिए, लेकिन लिखिए तो अपने शब्दों में। इंग्लिश में भी लिखिएगा तो आपको अपने शब्दों में लिखना होगा, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर देख लीजिए कि हम आपसे किस लैंग्वेज में लिखने के लिए बोले। अभी सिर्फ हिंदी यहाँ लिखा हुआ है तो हिंदी में देना है, मान लीजिए यहाँ पर इंग्लिश लिखा होता तो फिर आप इंग्लिश में देते, लेकिन अपने शब्दों में, किसी भी कंडीशन में आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। बार बार मैं आपको ये बोल रहा हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। मैं सॉफ्टवेयर से चेक करूंगा, अगर कॉपी पेस्ट हो गया तो फिर आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना है, कॉपी पेस्ट करना होगा तो मैं भी कर लूंगा, लेकिन वो काम नहीं करना है, आपको अपने शब्दों में लिखना है, अपने लैंग्वेज में समझना। यहाँ पर है, आप समझो, इंटरनेट से जितना समझना है समझो, जितना आर्टिकल देखना है देखो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लिखना है आपको अपने शब्दों में, जिस भी लैंग्वेज में दिया गया है यहाँ पर, जो कंपटीशन में जिस लैंग्वेज में मांगा है मैंने, उसी लैंग्वेज में आपको देना है, ठीक है। अब आर्टिकल कैसे देना है उसका एक देखिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर। एक मैंने देखिए एक सेव किया हुआ आर्टिकल 26 फरवरी 2015, तो आपको भी ऐसे ही सेव करना है फाइल, एमएस वर्ड फाइल जो होगा आपका, यहाँ पर देखिए आर्टिकल 1, ठीक है ना, जितना भी आर्टिकल आपको देना है उसको ऐसे लिखिए, यहाँ पर जो है ना अपना ऊपर में नेम लिख दीजिए, आपका नाम, मोबाइल नंबर, स्टेट, सिटी, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका स्टेट, आपका सिटी, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर। और नीचे में आप जो है डेट लिख दीजिए, आज का डेट, आज का डेट, ठीक है, डेट आप लिख सकते हैं यहाँ पर, या इसको ऊपर कर दीजिए, यहाँ डेट लिख दीजिए, जो भी डेट में आप सबमिट कर रहे हैं वो डेट यहाँ लिख दीजिए, नेम लिख दीजिए, मोबाइल नंबर, स्टेट, सिटी, और इसके अलावा अपना मोबाइल नंबर, और भी कोई दूसरा मोबाइल नंबर होगा तो वो भी डाल सकते हैं आप, मोबाइल नंबर 1, मोबाइल 2, ठीक है, ऐसा भी डाल सकते हो, दो नंबर, एक नंबर भी डाल सकते हो, दो नंबर भी डाल सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ से यहाँ पर वेबसाइट पर जाइए, मेरे मेरे वेबसाइट पर जाइए, यहाँ से इसको जो है ना, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर जो है ना, यहाँ तक आप इसको कॉपी करके डाल सकते हैं रेफरेंस के तौर पर, ये एक रेफरेंस पर आप डाल सकते हैं, या फिर पूरा कॉपी कर लीजिए, अगर चाहिए तो पूरा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से, कॉपी करके यहाँ पर जो है ना आप पेस्ट भी कर सकते हो, ये रेफरेंस के तौर पर हो गया, यहाँ पर रिफरेंस के तौर पर जो है ना आपका ये काम हो गया, मुझे मालूम चल जाएगा, इसको रेफरेंस कहते हैं, इसको रेफरेंस के तौर पर यहाँ आपका नाम, डेट सब देने के बाद जो है नीचे रेफरेंस में ये डाल दीजिएगा, तो इससे मुझे मालूम चलेगा कि मैंने ये आपका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। उसके नीचे से आप लिखिए आर्टिकल 1, उसके बाद आर्टिकल का
हेडिंग, उसके बाद आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन, बीच में फोटो वगैरह लगा सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो फोटो लगाइए, सुंदरता बढ़ जाएगा। ठीक है, आर्टिकल लिख लीजिए, कम से कम 500 शब्दों का लिखिए, 500 वर्ड्स। ठीक है, 500 वर्ड्स का एक आर्टिकल आप लिखिए कम से कम। और उसके बाद जो है नीचे में टैग लगाना है आर्टिकल के नीचे में। टैग, टैग का मतलब कि जो आर्टिकल आपने लिखा है ना उससे रिलेटेड जो भी टैग, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज गूगल एडसेंस कॉमा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ गूगल एडसेंस कॉमा, हाउ टू अप्लाई फॉर गूगल एडसेंस कॉमा, गूगल एडसेंस ट्रेनिंग, फिर कॉमा, व्हाट इज एडसेंस, तो ये टैग हो गया। मतलब कि आप जो है लेवल कह सकते हैं लेवल, ठीक है, ये एक तरह का लेवल हो गया। जो भी आर्टिकल आपने लिखा हुआ है उससे रिलेटेड जो है 5-10 जो भी है ना, आप उसका लेवल दे दीजिए अपने से, हिंदी में या इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, कॉमा दे दे के छोटा छोटा, ये जो है ना छोटा छोटा आर्टिकल जो है ना कीवर्ड, या फिर आप उसको टैग या फिर लेवल बोल सकते हैं, और यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, इतना ही करना है आपको, एक आर्टिकल खत्म, आपका एक आर्टिकल यहाँ पर खत्म हो गया। उसके नीचे में है आर्टिकल टू, ठीक है ना, ये आर्टिकल टू है, उसके नीचे लिखिए हेडिंग दूसरा आर्टिकल का, और उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन, फोटो वोटो लगाना है तो लगा सकते हैं, बीच बीच में कहीं भी लगाना है तो लगा सकते हैं, ये एमएस वर्ड में करना है आपको। और उसके नीचे टैग लेवल, हाउ टू, जो भी आपने लिखा आर्टिकल उससे रिलेटेड जो भी होगा ना आपका टैग, हाउ टू अप्लाई फॉर गूगल एडसेंस, हाउ टू अप्लाई गूगल एडसेंस थ्रू ब्लॉगर, पॉलिसी फॉर एडसेंस, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडसेंस। कहने का मतलब ये है कि यही सेम टू सेम मत लिख दीजिएगा, मतलब आपका जो भी टॉपिक आपने लिखा हुआ है ना, जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है उससे टैग मतलब लेवल, इससे समझ में आना चाहिए कि भाई आपने इसके ऊपर आर्टिकल शॉर्ट शॉर्ट में छोटा छोटा 2-3 शब्दों में लिख देना है आपको, 5-10 लिखना है, 5 या 10 लिखिए और उसके बाद जो है इसको सबमिट कर सकते हैं। उसी तरह 3 आर्टिकल है तो आर्टिकल 3, 4 आर्टिकल तो आर्टिकल 4, 5 आर्टिकल है तो आर्टिकल 5, उसके नीचे देते जा आपको जो है ना नीचे आपको देते जाना है। तो ये तरीका हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसको अपने कंप्यूटर में सेव कर लीजिए इस नाम से, आर्टिकल, आर्टिकल डेट लिख दीजिए 26, जो भी आर्टिकल जो आप दे रहे हैं ना उस जो आपका डेट है उस दिन जो आप आर्टिकल लिखिए और डेट लिखिए उस सेम डे, मतलब कि जिस दिन आप इसको सेव किए हैं ना उस दिन का डेट आप लिख सकते हैं, या फिर जिस दिन सबमिट कर रहे हैं उसका डेट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए आर्टिकल 26 फरवरी, मैंने 26 फरवरी को लिखा था तो यहाँ 26 फरवरी 2015 डाल दिया, 26 फेब 2015, आर्टिकल 26 फेब 2015। ठीक है, तो ये जो कॉपी कीजिएगा ना तो आप पूरा ये पूरा कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे नीचे तक भी कॉपी करके जो है ना यहाँ पर ऊपर में आप पेस्ट कर सकते हैं, इसको पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से रेफरेंस डाल दीजिए, रेफरेंस के नीचे में ये डाल दीजिए, उसके बाद आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 इस तरह से लिखिए, और टैग देने, टैग और लेवल जोड़ दीजिएगा यहाँ पर। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, इम्पोर्टेंट बात है कि एक ही आर्टिकल आपने मान लीजिए सबमिट किया है, तो अगले बार फिर से अगर मान लीजिए कंपटीशन होता है तो सेम आर्टिकल को दोबारा आपको नहीं डालना है, नहीं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, एक ही टॉपिक पर बहुत बार आर्टिकल लिखा जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए ये टॉपिक है, ये मान लीजिए हाउ टू इंक्रीज ब्लॉग रेवेन्यू विथ गूगल एडसेंस है, तो इस पर जो है ना 100 बार आप चाहें तो अलग अलग आर्टिकल लिख सकते हैं, मतलब नॉलेज ले लेके अलग अलग टाइप से लिख सकते हैं। तो अलग अलग टाइप से अगर लिख रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप फिर से सबमिट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक ही आर्टिकल को एकदम कॉपी पेस्ट करके दोबारा बार बार हमको मत दीजिए, ठीक है, बार बार हमको प्रोवाइड नहीं करना है। आप एक ही टाइटल को ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अंदर में जो आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसका बॉडी होता है वो डिफरेंट होना चाहिए। एक ही आर्टिकल का जो सब्जेक्ट होता है, टॉपिक होता है, उस पर आप 100 बार अलग अलग टाइप का आप जो है ना आर्टिकल लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और प्रोवाइड भी कर सकते हैं। तो इसमें यही बोल रहा था मैं कि एक टॉपिक पर आप 100 बार आप अलग अलग टाइप से आर्टिकल लिख सकते हो, एक ही आर्टिकल आपको बार बार सबमिट करने का जरूरत नहीं है। आप एक ही आर्टिकल दोगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आप एक ही टॉपिक लिखिए लेकिन अलग अलग आर्टिकल्स आपको लिखना है, उसको अलग अलग, उसको लिखना है अलग अलग तरीके से लिखना है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, जो भी लिखना है आपने शब्दों में लिखना है। आपका इंग्लिश स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश नहीं आएगा तो आप समझिए कैसे, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है ना, हाउ टू इंग्लिश ब्लॉग रेवेन्यू, ये इंग्लिश में पूरा दिया हुआ है, तो इंग्लिश से ही तो आप समझ पाइएगा। इंग्लिश नहीं आएगा तो समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो आप लिखिए कैसे, तो इंग्लिश आपका स्ट्रांग जरूर होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। और प्रोनाउंसिएशन
प्राइज जो होगा जो भी जीतेगा उसको मैं सिलेक्ट करूँ, जो भी जीतेगा भी अच्छा होगा उसमें से एक व्यक्ति को सिलेक्ट करके उनको प्राइज दिया जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक व्यक्ति को सिलेक्ट किया जाएगा या फिर भविष्य में देखते हैं, फ्यूचर में देखते हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जो यहाँ पर दिया गया है उसको ही फॉलो करेंगे हम। ठीक है, उस चीज़ को ध्यान रखिए और सिलेक्शन केवल मैं करूँगा, और आप किसी भी तरह का क्लेम नहीं कर सकते हैं बाद में कि आपको इस तरह से आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुआ कि आपने आर्टिकल लिखा और आपको उसका प्राइज नहीं दिया गया, ऐसा किसी भी प्रकार का क्लेम आप नहीं कर पाइएगा। और सिर्फ मुझे मैं ही चूज करूँगा, चाहे मैं किसी भी तरह से चूज करूँ, लेकिन वो चूज मुझे ही करना है, सिर्फ मैं देखूँगा। इसलिए आप आर्टिकल प्रोवाइड करने से पहले अपना सोच समझ लीजिए अच्छे से, सारे टर्म एंड कंडीशन को समझ लीजिए, उसके बाद ही आप इसको सबमिट कीजिएगा। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो है मेरा वेबसाइट जो है एडसेंस ट्रेनिंग वीडियोस ब्लॉग फॉर रूटीन, यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, ये सब्सक्राइब बटन जो है ना इसको आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी जो है ना सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सभी लेटेस्ट आपको मिल पाएगा आपके ईमेल आईडी पर। यहाँ पर जो है ना अपना ईमेल आईडी डाल के सब्सक्राइब कर लीजिए, और ध्यान रहिए गलती हमेशा करता है लोग, यहाँ पर ईमेल आईडी दे के सब्सक्राइब कर लेता है और सोचता है कि सब्सक्राइब हो गया, ऐसा नहीं बिल्कुल है। आपको ईमेल आईडी डालिए फिर सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिएगा, तो आपके मेल आईडी पर एक कंफर्मेशन लिंक जाता है, जब तक आप उस लिंक को क्लिक नहीं कीजिएगा आप सब्सक्राइब नहीं हो पाइएगा। तो सब्सक्राइब करते समय जो है ना इस बात को आप ध्यान रखिए, अगर आप सिर्फ आईडी डाल दें और सब्सक्राइब को क्लिक कर दें तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। मेल आईडी डालिए, सब्सक्राइब को क्लिक कीजिए, फिर अपना ईमेल आईडी खोलिए, वहां पर कंफर्मेशन लिंक जाता है क्लिक कीजिएगा, तब जाके आपका ये सब्सक्राइब होगा। ध्यान रखिए इस बात को, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और क्योंकि यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको सारा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, कौन जीता कौन हारा सब कुछ यहाँ से मिलता रहेगा आपके ईमेल आईडी पर, तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा, सब आपके ईमेल आईडी पर ऑटोमेटिक पहुँच जाता है। ईमेल आपको जो है करना कैसे है वो भी बता देता हूँ, ये आपका इस ईमेल आईडी पेड आर्टिकल पर करना है आपको, पेड आर्टिकल, ठीक है ना, ईमेल करना है। ईमेल में जो है ना आपका जो एमएस वर्ड फाइल, आपने जो जिस एमएस वर्ड फाइल में आपने अपना आर्टिकल को सेव किया था उस फाइल को जो है ना आपने ईमेल करते समय सर जो है ना अटैच कर देना है, और आप अगर चाहें तो अपना फोटो भी अटैच करके भेज सकते हैं वेबसाइट पर, मान लीजिए अगर आप जीत जाते हो तो वेबसाइट पर आपका फोटो भी डाला जाएगा। ठीक है, तो अपना फोटो भी हो सके तो आप जो है ना मेल में अटैच कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अब आपको मेल कैसे करना है ये बता देता हूँ मैं, ठीक है, मेल कैसे करना है देखिए, यहाँ पर देखिए मेल करते समय यहाँ पर आपको मेल करना है पेड आर्टिकल, पेड आर्टिकल, पेड आर्टिकल gmail.com। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट लाइन में देखिए आपको कॉपी करना है इसको, ये कॉपी, इससे अलग कुछ नहीं लिखिएगा, बस यही सेम चीज, इसको यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी करना है आर्टिकल, और उसके बाद यहाँ पर जो है ना पेस्ट कर देना है, इससे अलग कुछ नहीं होना चाहिए, इससे क्या होगा सर्च करने में आसानी होगा मुझे, ठीक है ना, तो इसको कॉपी कीजिएगा आप, सिर्फ इसको कॉपी कीजिएगा, कॉपी कॉपी कॉपी, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, यहाँ पर जो है ना पेस्ट कर देना, उसके बाद जो है ना अपना डेट लिख दीजिए, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, स्टेट, सिटी, यहाँ पर जो है ना आपको डेट लिखना है, नेम लिखना, मोबाइल से स्टेट सिटी, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर रेफरेंस, रेफरेंस में क्या करना है आपको यहाँ से जो है ना पूरा कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना, इसको पूरा कॉपी कर लीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पर जो है ना यहाँ पर रेफरेंस के नीचे में इसको पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट, ठीक है, यहाँ पेस्ट हो गया, रेफरेंस में पेस्ट हो गया, जो कि ज़्यादा ही पेस्ट हो गया है इसको, है ना, यहाँ तक, इसको जो है ना यहाँ तक ज़्यादा ही पेस्ट हो गया था, फोटो भी हो गया था इसी में, इसको ऐसे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है ना, मोबाइल स्टेट सिटी देने के बाद यहाँ कर दीजिए, और उसके बाद जो है ना यहाँ पर फाइल को अटैच कर दीजिए, ये फाइल जो था ना आपका,
यहाँ फाइल जो है आपका आर्टिकल वाला जो आपका फाइल सेव किया था उसको कर दीजिए, ये जो फाइल है ना ये वाला, ये फाइल जिसमें आपने आर्टिकल लिखा हुआ है उसको अटैच कर दीजिए, यहाँ पर अटैच हो गया ठीक है ना। उसके बाद अपना फोटो भी आप चाहें तो अटैच कर सकते हैं, अपना फोटो जो होगा ना आपका फोटो भी आपका अपना अटैच कर दीजिए। उसके बाद जो है ना इसको यहाँ से सेंड कर दीजिए, इसको सेंड कर दीजिए, आपका फाइल जो है ना सेंड हो गया। देखिए आपका डेट नेम देने के बाद यहाँ पर आपका सब सेंड हो गया, आपका फाइल अटैच हो गया और फोटो भी आप अपना अटैच कर दीजिएगा इसमें ठीक है ना। फोटो अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन है तो अटैच कर दीजिएगा। इसके बाद जो आपका टाइम 25 मार्च जैसे किया हुआ है ना, उसके बाद आपका अनाउंस किया जाएगा वेबसाइट में ही, आपको डाल दिया जाएगा कौन विनर है और उसको जो है ना कंपटीशन का प्राइज दिया जाएगा ठीक है। उसके बाद अनाउंस कर दिया वेबसाइट में, यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए ठीक है। और अगर कुछ पूछना हो हमसे तो फिर दिए गए समय पर जो है ना कॉल कर लीजिएगा, कॉल करके पूछ लीजिएगा, कोई अगर कन्फ्यूजन आपको होगा तो फ़ोन करके पूछ लीजिएगा ठीक है। जो भी आर्टिकल देना होगा वैलिडिटी से पहले दीजिएगा, जिस जो टाइम दिया गया है उस टाइम के पहले दीजिएगा, ऐसा नहीं कि बाद में दीजिएगा, जो टाइम दिया गया उससे पहले ही आपको देना है, सबमिट करना है ठीक है। नहीं बताना था आपको, और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कॉल कर लीजिएगा दिए गए समय पर। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, इसमें आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और आपके ये लाइक शेयर और सब्सक्रिप्शन बहुत अनमोल है मेरे लिए, और मेहनत करने के बाद जब आपका लाइक शेयर और सब्सक्राइब सब्सक्रिप्शन मिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है। कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, सजेशन हो तो प्लीज़ वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में डालिए, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा ठीक है दोस्तों। तो वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।